आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भारत में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 27,553 नए मामले, 284 की मौत। ड्रग्स केस में फंसे विक्रम मजीठिया की तलाश में पंजाब में कई जगह छापेमारी। नीट पीजी दाखिले में मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आज यूपी में रैलियों का सुपर संडे, पीएम मोदी मेरठ में तो अखिलेश केजरीवाल लखनऊ में ठोकेंगे तार। उत्तराखंड में 6 महीने बाद कोरोना संक्रमण फिर 100 के पार, मिले 118 नए मामले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर्क और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। क्रिसमस और नए साल के जश्न के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। नैनीताल जिले के गर्म पानी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय गंगरकोट में 85 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, जहां एक साथ 85 ननिहालों के संक्रमित पाए जाने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। जबकि 4 नए मामले में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, वहीं अल्मोड़ा जिले में कोरोना संक्रमित एक युवती की मौत हो गई है। प्रदेश में अचानक से संक्रमितों की संख्या में इजाफा होने के बाद से स्वास्थ्य महकमा भी हैरान है। ऐसे में पाबंदियों को सख्ती से लागू कराया जा सकता है। खबर धनौरी से है, जहां भाजपा नेता और जिला महामंत्री आदेश सैनी ने गरीब परिवार के युवकों को एक बैडमिंटन किट दी, जिसे पाकर युवकों के खुशी देखने के लिए मिली है। एक और युवकों ने महामंत्री का आभार जताया, जिसके बाद आदेश सैनी ने युवकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब वो एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे तो कुछ युवक आपस में चर्चा कर रहे थे कि उनको बैडमिंटन का सामान चाहिए, जिसके बाद उनकी जरूरत को देखते हुए आदेश सैनी ने युवक को किट बांटी। ऐसा है, जब समय आता है किसी काम का तो वो बता के नहीं आता। रात हम हरिद्वार में सीएम साहब का कार्यक्रम था तो मन हुआ कि चाय पी ले, यहाँ चाय की दुकान है, क्या नाम है दुकान का, कालू राम की चाय की दुकान पे हम रुके, चाय पी रहे थे। ये बच्चे एक ये और एक ये इधर क्या नाम है इसका, हिमांशु, ये दोनों चाय वाले की उनका जो बच्चा है उससे बात कर रहे थे कि भाई हमें किट लेनी है और ऐसे ऐसे जो है अभी इतने पैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने इनका जोश देखा, मुझे लगा कि भाई इन बच्चों में जोश है और इन्हें ये जो चीज़ चाहिए इन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, हमारे देश में हुनर बहुत है बच्चों में, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये कुछ छोटा सा प्रयास है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई किसी पे कुछ करा, पर यह है कि हमें भी अपना बचपन याद आ गया। हम मांगते थे स्कूल में, उससे फुटबॉल का शौक था, मुझे बॉल मांगते थे, वो एक दो बार हम बॉल फट गई, आगे हमें मिली नहीं। तो वो क्या है कि सोच जो है ना, जो जोश होता है वो वहीं ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मुझे अपना बचपन याद आया, मैंने कहा बेटे ऐसा है कहाँ से लोगे तुम, कितने की किट है, मैंने जितने की भी है तुम चलो। और इन्होंने बताया रुड़की वहाँ दुकान मिलेगी, मैंने सुबह को वहाँ मिलना और किट देंगे। तो मेरा तो दिली इच्छा है कि ये बच्चे जो है ये अपना क्लब बनाएं और ये जिले पे खेलें, फिर प्रदेश पे खेलें, फिर राष्ट्रीय खेलें, क्योंकि इनमें हुनर है, इच्छा थी, जागृति थी। जो बच्चे 5-5 रुपये 10-10 रुपये इकट्ठे करके कर रहे थे, उनमें अंदर भावना खेल की और तभी जो है ये मन हुआ। तो मेरा तो सबसे बच्चों से निवेदन ये है कि रोजाना कलियर में चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं विधानसभा पेरान कलियर से आम आदमी पार्टी ने इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि जो प्रत्याशी मुझे बाहरी समझते थे आज उनके मुंह पर जोरदार तमाचा लग गया है। और शादाब आलम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की जरूरत है, मेरा चेहरा जनता के सामने विधायक के रूप में आता है, तो जो मेरी विधायक निधि होगी वो मैं जनता के नाम कर दूंगा और जनता के हिसाब से ही काम होगा। साहब ये तो आपको बेहतर नजर आ रहा होगा, तमाचा और कैसे करोगे, इसके अलावा और क्या होना चाहिए बताइए। आज घर आपके बीच में है, स्टेज आपके बीच में है, कुर्सी आपके बीच में है, मैं आपके बीच में हूँ, जनता आपके बीच में, और क्या चाहिए।
अब आपका आवास यहाँ प्रॉपर हो गया है जी, अब कोई बाहरी का कोई वो नहीं रहा मामला? नहीं साहब, अब तो जो और प्रत्याशी हैं वो क्लियर के नहीं है, वो बाहरी है। अरे जिस देखिए साहब, आम आदमी पार्टी जरूरत है आज की जनता की, आम आदमी पार्टी जरूरत है गरीब की, आम आदमी पार्टी जरूरत है आज के युवाओं की। तो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद किया जा रहा है, युवाओं का सम्मान मिल रहा है और बुजुर्गों का जो एहतराम है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, चाहे वो महिलाओं के सम्मान में हो, चाहे वो बुजुर्गों के सम्मान में हो, चाहे वो तीर्थयात्रा के रूप में हो या किसी भी तरीके से। उत्तराखंड देखिए साहब, वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ खुशियां देकर जाते हैं, तो बेहतर। उत्तर पश्चिम दिशा से बह रही हवा अपने साथ हिमालय से बर्फीली ठंडी हवा लेकर आ रही है। इसमें पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। नैनीताल और हल्द्वानी में एक जैसी ठंड पड़ रही है, जहां दोनों जगहों पर तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले दो दिन कुमाऊं मंडल में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 4 जनवरी के आसपास पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की भी संभावना है। इसके प्रभाव से 4-5 जनवरी को पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं पर बहुत हल्की से हल्की बारिश व हिमपात हो सकता है। 6 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ अधिक मजबूत होने की संभावना है। खबर विकास नगर से है, जहां गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के मौके पर श्री गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब सेलाकुई की अध्यक्षता में पहली बार एक विशाल नगर कीर्तन गुरुद्वारे से शुरू हुआ। इस नगर कीर्तन में गुरु गोविंद सिंह के जीवन को दर्शाते हुए अनेक झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। जबकि इस नगर कीर्तन का सभी स्थानों पर जोरदार स्वागत किया गया, वहीं नगर कीर्तन में आजाद बैंड सेलाकुई ने अपना नाम कर्तव्य दिखाया और इस नगर कीर्तन का नेतृत्व सरदार गुरमीत सिंह और महेंद्र नागपाल हरविंदर कौर के नेतृत्व में किया गया। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।